वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टैंडर्ड 12 आज हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे। दफा नंबर 11 सवाल पढ़ के बताऊंगी। दाखला नंबर 11 सलीमन सवाना ने भागीदारी पेड़ी ना कासे सबैया ने हवाला ऊपर थी भागीदारी पेड़ी ना वार्षिक हिसाब तैयार करो। मूड़ी खाता सलीम 1,60,000, सवाना 1,20,000, चालू खाता सवाना 10,000, सलीम 40,000, माल का स्टॉक आखिरी स्टॉक दिया हुआ है 54,600, नकद सिला 560, बैंक में चालू खाते 14,000, SBI फिक्स डिपोजिट 80,000, देवादार प्रेमदार 36,800 और 24,000, पगार 37,000, जमीन मकान 1,20,000, प्लांट यंत्र 40,000, फर्नीचर 10,000, बीमा प्रीमियम 2,000, भाड़ा पटेल लीजर मशीनरी 1,4,2016 थी 5 वर्ष माटे 60,000, स्टेशनरी से काम में 1,200, गलखाता नामक 400 और 2,000, दलखाद और खालखाद नाम 400 और 2,000, जाहिरात खर्च 1,200, मुसाफरी खर्च 800, व्यापार खाते का नफा दिया हुआ है 61,800, सबाना की लोन 1,10,16 से 60,000, पटावाना मत 760, नीचे हवाले दिए हुए ब्रैकेट में दो हवाले है, एक स्टॉक है जो हवाला नहीं है, आखिरी तारीख दी हुई है, उसके बाद भाड़ा पटेल इधर मशीनरी, ये मशीनरी एक हवाला, सबाना की लोन पे एक हवाला, सबाना की लोन पे सूद गिना जाएगा और भाड़ापटे से लिए हुए मशीन को बात किया जाएगा। पहला हवाला सलीम 4,000 ने वो कीमत तो माला था कपड़ा स्मार्ट डे गयो पर तो तेरे नाम में कपड़े लखा रहा था अंगद कपड़ा स्मार्ट डे इंजन माल यानी वाट यानी व्यापार खाते में खरीदी में हवाला है और पूंजी खाते में भी हवाला है। पूंजी खाता चालू खाते की बाकी नहीं हुई है तो हम चालू खाता भी बनाएंगे। हिसाबी वर्षना ते 8,000 की कीमत माल खरीदी हो परंतु चोपड़े नोंधवाना रही गए छे खरीदी में भी हवाला है। अगाउ की चुकवेल बीमा प्रीमियम 400 छे बीमा प्रीमियम में भी हवाला है। देवादारो माथी 800 नो रेवन हजु वसूल थई सके तेम नथी। देवादार 5% गारका अनामत राखो। देवादार पर वटावा अनामत ની હવે જરૂર નથી। દેવાદાર પર વટાવા અનામત ની અબ જરૂરત નહીં હે તો દેવાદાર મે સે વટાવા અનામત કો માઇનસ કરના હે। દેવાદાર પર વટાવા અનામત દિયા હોવા નહીં 760 दिया हुआ है। अब इसके बाद ये प्लांट यंत्र पर 20% ने फर्नीचर पर 5% लेके घसारो करो। प्लांट यंत्र पर 20% और फर्नीचर पर 5% घिसाई भी गिनी है। यहाँ पर टोटल हमारे को कितने खाते बनाने पड़ेंगे? 5 खाते बनाने पड़ेंगे। टोटल हमारे को 5 खाते यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 5 खाते बनाएंगे। व्यापार खाता भी बनाना पड़ेगा क्योंकि व्यापार खाते में 2 हवाले हैं, खरीदी में 2 हवाले हैं। खरीदी में से उपाड़ और नहीं नोंदेल खरीदी वो भी लिखनी है तो उसमें भी हवाले हैं। तो हम यहाँ पर 5 खाते बनाएंगे। पहला खाता बनाएंगे व्यापार खाता, उसके बाद नफा नुकसान खाता, नफा नुकसान तकसीमी खाता, पूंजी खाता, चालू खाता और लास्ट में बनाएंगे हम लोग पाका सर्वैया। अब यहाँ पर एक के बाद हम एंट्री करेंगे। मूड़ी खाते सलीम की बाकी दी हुई है। मूड़ी खाते में बाकी आगे लाए 1,60,000 और 1,20,000। दूसरी एंट्री चालू खाते की है। चालू खाते में सवाना की उधार बाकी दी हुई है तो उधार बाकी को उधार जगह पर लिखेंगे बाकी आगे लाए। सवाना की उधार बाकी 10,000 और सलीम की जमा बाकी है बाकी आगे लाए। सलीम की कितनी है 40,000 और सलीम के खाते में लिखेंगे 40,000। माल का स्टॉक, माल का आखिरी स्टॉक दिया हुआ है 54,600,
आपका स्टॉक है 54,600। नकद सिला भी उसके नीचे ही आ गया 560। नकद सिला जायदाद की हमारी 560। बैंक में चालू खाते 54,000। बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है चालू खाते 14,000। अब SBI की फिक्स डिपॉजिट वो भी 80,000 है हमारे पास। SBI डिपॉजिट 80,000। इन सब में कोई हवाला नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे हम। उसके बाद है देवादार और लेनदार। देवादार की होती है उधार बाकी और लेनदार की होती है जमा बाकी। देवादार की बाकी कितनी दी हुई है 36,800। उधार तरफ अब यहाँ पर थोड़ी लाइन ऊपर 5-6 छोड़ के लेनदार की बाकी लिखे होंगे 24,000। इतनी एंट्री हमारी हो गई है। लेनदार की बाकी को भी इनर कॉलम में ही हम लोग लिखेंगे। देवादार लेनदार में मोस्टली हवाले आते रहते हैं, तो देवादार लेनदार की एंट्री हम इसी तरह करेंगे। अब पगार, पगार कहते हैं हम नफा नुकसान खाते में। ये हमारा व्यापार खाता है, ये हमारा नफा नुकसान तकसीम खाता है, ये हमारा नफा नुकसान खाता है, फिर पूंजी खाता है, चालू खाता है, पाका सभी। सप्लीमेंट्री में और बुक में नफा नुकसान खाता, उसके बाद पहले व्यापार खाता, उसके बाद नफा नुकसान खाता बनता है, उसके बाद नफा नुकसान तकसीम खाता बनता है, फिर पूंजी खाता बनता है, उसके बाद चालू खाता और लास्ट में पक्का तवाजन बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं थी। नफा नुकसान का खाता बड़ा होता है, वहाँ पर जगह थी इसलिए हमने वहाँ पर बनाया है। पहले नफा नुकसान खाता बनाया जाता है, उसके बाद तकसीम खाता बनाया जाता है। पगार, पगार 37,000 उधार बाजू पर। पगार में कोई हवाला नहीं है तो पगार हम डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे 37,500। उसके बाद जमीन मकान, जमीन मकान की एंट्री जायदाद में करेंगे। यहाँ पर जमीन मकान 1,20,000 दिए हुए हैं। हवाला है इसमें, इसलिए इसके लिए नीचे जगह छोड़ देंगे। सॉरी, जमीन मकान में भी कोई हवाला नहीं है। प्लांट यंत्र मशीन में हवाला है, प्लांट यंत्र और फर्नीचर में हवाला है, तो इसकी एंट्री को भी हम बाहर निकालेंगे। जमीन मकान कितना दिया हुआ है 1,20,000। उसके बाद है प्लांट यंत्र, प्लांट के अंदर 40,000 के लिए हुए, उसके अंदर हवाला है, प्लांट में हवाला है, घिसाई के लिए प्लांट में। फर्नीचर, फर्नीचर 10,000 का। उसके बाद है बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम लिखेंगे हम यहाँ पर नफा नुकसान खाते में। बीमा प्रीमियम उधार बाजू, नफा नुकसान के खाते में उधार बाजू पर बीमा प्रीमियम की एंट्री है 2,000। इसके अंदर हवाला इसमें इधर कॉलम में लिखेंगे बीमा प्रीमियम। भाड़ा पटेल इधर मशीनरी, मशीन 5 साल के लिए ली थी, कितने की है 60,000 की। भाड़े थी मशीन, तो 60,000 की मशीन जो है वो कितने साल के लिए ली थी 6 साल के लिए, तो 1 साल का कितना होगा 10,000। मांडी बात 10,000 बात कर देना है। बाकी की अब हमारे पास कितने रुपए की मशीन बची, सिर्फ 50,000। ये जो मांडी वाड़े रकम है ये यहाँ पर उधार बाजू पर लिखी जाती है मांडी वाड़े में। जो पैसा हमने बात कर दिया है वो हमारा इस साल की घिसाई हो गई है, 1 साल यूज कर लिया है, 10,000 रुपये बाद हो गए। ये हम यहाँ पर नफा नुकसान खाते में उधार बाजू पर भी उतनी रकम लिखेंगे। स्टेशनरी छपामणी 1,200 रुपये, स्टेशनरी
स्टेशनरी में भी कोई हवाला नहीं है। नीचे
दिए हुए छह हवाले जो है उसकी तरफ पड़ेंगे। सलीम चारजा ने मूल कीमत नवाल अंगत वपराश माटे लई गयो परंतु तेनु नामो चोपड़े लखायो नथी। तो यहां पर उपाड़ जो है वो 4000 माइनस होता है, उपाड़ से गया हुआ माल माइनस होता है, उपाड़ से गया हुआ माल माइनस होता है, खरीदी में से उपाड़ से गया हुआ माल माइनस होता है। तो अब यहां पर उपाड़ की दूसरी एंट्री होगी, यहां पर 4000 का माल कौन ले गया था, सलीम यानी S1 4000 का माल ले गया था, तो उसको उधार का जो पर लिखेंगे 4000 सबाना के दिए हुए हैं 10000 सबाना के दिए हुए हैं 10000 सलीम और सबाना S2 है, यहाँ पर सबाना के दिए हुए हैं 10000 और सलीम S1 है, सेम S में कंफ्यूजन हो गई है, सलीम S1 है तो सलीम के है 40000 जमा बाजू पर, एंट्री में थोड़ी मिस्टेक हुई थी आप करेक्शन कर लेना, सलीम के है 40000 S1 में जमा बाजू पर और सबाना जो है वो S2 पार्टनर है उसके है 10000 यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा हवाला, ये हवाले की दो एंट्री यहाँ पर हो गई है, एक एंट्री हमने यहाँ पर व्यापार खाते में कर दी है और दूसरी एंट्री हमने चालू खाते में भी कर दी है। इसके बाद हम एंट्री करेंगे दूसरे हवाले की, सभी वस्तुएं 8000 की कीमत तो माल खरीदे तो परंतु चोपड़े नोंदवानो रही गए थे, यहाँ पर खरीदी नहीं नोंदे, 8000 की खरीदी की नहीं। अब ये जो उपाड़ है वो खरीदी में से माइनस होता है, मैंने आपको बताया था उपाड़ खरीदी में से माइनस होता है, अब 8000 की खरीदी में से उपाड़ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4000, ये 61800 में से 4000 माइनस करेंगे तो हमको मुनाफा कितना मिलेगा 57800, ये 57800 का मुनाफा हम यहाँ पर लेके आएंगे, काचो नफो 57800। चलो अभी यहाँ पर हमको चोखा नफा नहीं ढूंढना है क्योंकि बाकी के हवाले हमारे बाकी है, सारे हवाले खत्म होने के बाद ही हम मुनाफा ढूंढेंगे। यहाँ पर इसलिए हमने ढूंढ लिया है क्योंकि यहाँ पर दो ही एंट्री थी हमारी व्यापार खाते में और वो एंट्री हमने कर ली है, इसलिए हमने काचा नफा खारिज नफा ढूंढ लिया है। अब इसके बाद है हवाला नंबर 3, अगमती चुके बीमा प्रीमियम 400, पहले से चुका दिया है बीमा प्रीमियम, पहले से चुका दिया है तो लेना है, अगमती चुके माइनस होता है और चुका हुआ अनुपाती प्लस होता है, अगमती चुके माइनस चुका हुआ अनुपाती प्लस, अगावती चुकवेल हमारे लिए लेना है तो अगावती चुकवेल बीमा प्रीमियम 400 रुपये यहाँ लेना बाजू। अब उसके बाद हवाला नंबर 4, देवादारों माथी 800 नु लेणो हवे वसूल थई सके तेम नथी, देवादारों माथी 800 नु लेणो हवे वसूल थई सके तेम नथी, नई घाटभात 800 और यहाँ पर भी नई घाटभात 800। अब क्या है 36800 में से 800 रुपये नहीं मिलेंगे, बाकी का कितना बचा 36000। तो हवाले में दिया हुआ है चौथे हवाले में देवादारों पर 5% घातका देना मात्र, 36000 के 5% हो गए 1800 रुपये, तो देवादारों की घातका देना मात्र कितनी आएगी 1800 रुपये। तो आउटर की कॉलम में आएंगे 34200, आउटर की कॉलम में रकम आएगी, आप माइनस करोगे 36800 में से 800 और ये 1800 तो आउटर की कॉलम में आएगा 34200, यहाँ पर घर का दनामत नहीं, यहाँ पर 1800 और 800 तो 2600 और 400, ये तीनों प्लस हो जाएंगे, उसके बाद इसको माइनस करना है तो घर का कितनी बार आएगी यहाँ पर 1000 रुपये आउटर की कॉलम में आएंगे, 1000 रुपये यहाँ पर आउटर की कॉलम में आएंगे 1000। हवाला नंबर 5, पांचवा हवाला, देवादार पर वटा बनाने की हमें जरूरत नहीं, देवादार पर वटा बनाने की जरूरत नहीं है तो हम वटा बनाने की जरूरत नहीं है तो जमा बाजू पर लिख देंगे, वटा बनाने की जरूरत थी तो उधार बाजू पर देवादार पर वटा बनाने तो हम लिखते थे, वटा बनाना तुम्हारा खर्च है नुकसान है, देवादार पर वटा बनाना हम उधार बाजू पर लिखते थे,
बीस टका, तो घिसाई कितनी होगी इसकी, 20% 40,000 के, 10% 4,000 और 20% होते हैं 8,000, तो इसकी घिसाई होगी 32,000। यहाँ पर प्लांट 9 घसा दो 8,000 और फर्नीचर के ऊपर घिसाई देनी है 5%, लिखिए फर्नीचर के ऊपर 5% घिसाई देनी है, तो 10,000 के 10% होते हैं 1,000 और 500 रुपये 5% घिसाई होगी, आउटर में जाएगा 9,500। फर्नीचर का घसारा है 500। अब आगे का दाखला आपको करना है, सिर्फ बाकी निकालने हैं। ये जो दो पार्टनर हैं, इनका सर का कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसका नफा सर के हिस्से में बांटेंगे। कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसका सर के हिस्से में नफा बांटेंगे। तो अब क्या करना है, नफा नुकसान खाते में जमा बाजू के सारी एंट्री को प्लस करके इस एंट्री को, उधर बाजू की एंट्री को माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो फिर जो आंसर आएगा वो नफा हमको यहाँ पर चौथा नफा करके लेके जाना है। नफा नुकसान तकसीमी खाते में कोई हवाला नहीं है, हमको सिर्फ नफा या नुकसान लेके जाना है। अगर खोट आएगी धंधे में तो आपको खोट, नफा नुकसान खाते में अगर यहाँ पर नफा आएगा तो नफा यहाँ पर लिखा जाता है, और अगर खोट आएगी तो खोट आपको उधार बाजू पर लिखनी है। उसके बाद खोट लिखने के बाद ये खोट को हम कहाँ पर लेके जाएंगे, पूंजी चालू खाते में लेके जाएंगे। खोट होगी तो चालू खाते में लेके जाएंगे, नफा होगा तब भी चालू खाते में लेके जाएंगे। चालू खाते में एंट्री करने के बाद ये पूंजी खाते की बाकी यहाँ पर और चालू खाते की बाकी भी वहाँ पर लेके जाते हैं। इसकी बाकी यहाँ पर इस तरह निकल जाएगी, 1,00,000 भी 1,60,000 और यहाँ पर 1,20,000। चालू खाते की बाकी को पाका सरवैया में लेके जाया जाता है ये खाते। अब आपको कंप्लीट करने हैं, खाते बंद करने हैं और पाका सरवैया का टोटल मिला देना है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट दाखला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।